वक्त की बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी से अलग होना चाहती है जनता दल यूनाइटेड। अग्निपथ योजना पर विपक्ष के साथ आई जेडीयू। इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष के साथ सदन का जेडीयू विधायकों ने भी किया बहिष्कार। सत्र के दौरान सदन से विपक्ष के साथ जेडीयू भी रही नदारद। बिहार में बीजेपी से अलग होना चाहती है जनता दल यूनाइटेड। अग्निपथ योजना पर विपक्ष के साथ आई जेडीयू। विपक्ष के साथ सदन का जेडीयू विधायकों ने भी किया बहिष्कार। सत्र के दौरान सदन से विपक्ष के साथ जेडीयू भी रही नदारद। बिहार में बीजेपी से अलग होना चाहती है जनता दल यूनाइटेड। अग्निपथ योजना पर बीजेपी के साथ आई जेडीयू। विपक्ष के साथ जेडीयू आ गई है, बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर अलग थलग पड़ चुकी है। बिहार में बीजेपी से अलग होना चाहती है जेडीयू। बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी से अलग होना चाहती है जेडीयू। अग्निपथ योजना पर विपक्ष के साथ आई जनता दल यूनाइटेड। बिहार में बीजेपी से अलग होना चाहती है जनता दल यूनाइटेड। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना पर विपक्ष के साथ आई जेडीयू। विपक्ष के साथ सदन का जेडीयू विधायकों ने भी बहिष्कार किया है। सत्र के दौरान सदन से विपक्ष के साथ जेडीयू भी नदारद रही और इस दौरान सिर्फ सदन में बीजेपी के विधायक ही मौजूद रहे। विपक्ष के साथ सदन का जेडीयू ने भी बहिष्कार कर दिया है, तो क्या इसका मतलब यह है कि बीजेपी अब अलग थलग पड़ चुकी है, जेडीयू अब बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहती। चलिए, बिहार में अब बीजेपी पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुकी है। एकजुटता दिखाते हुए विपक्ष के साथ अब जेडीयू भी हो ली है। जी हां, अग्निपथ योजना पर अब जेडीयू भी विपक्ष के साथ नजर आ रही है। दरअसल आज सत्र के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने अब ये प्रतीत कहीं ना कहीं से ये प्रतीत होता है कि अब बीजेपी जेडीयू के साथ, यानी कि जेडीयू अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। चलिए इस पर अधिक बातचीत करेंगे। आखिर सदन में ऐसा क्या हुआ? हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव चैट पर निषेध ठाकुर जुड़े हैं। निषेध, सदन में आखिर ऐसा क्या हुआ कि तमाम विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया जिसमें जेडीयू भी थी और बीजेपी